हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 का जो पहला अध्याय ये परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर, उसमें पेज नंबर 10 पर स्थित एक सारणी है सहचारिता गुणधर्म की। इससे पहले हमने जो क्रम विनिमेयता गुणधर्म और उससे पहले सहज गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम सहचार्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये योग, व्यवकलन, गुणन, भाग जो संक्रियाएं होती है उसके अंतर्गत जो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्या में किस किस संक्रिया के अंतर्गत सहचार्य नियम का पालन करते हैं। तो सहचारिता गुणधर्म तीन संख्याओं पर लागू होता है, इसके लिए तीन संख्याएं चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है पूर्ण संख्या, जो पहली अपने पूर्ण संख्या पे चारों संक्रिया पे लागू करके देखते हैं कि किसमें इसका प्रयोग होगा, किसमें सहचारिता गुणधर्म का पालन होगा। जिसमें हो योग में हो तो जिसमें हो हाँ लिखना है, और जिसमें सहचार्य गुणधर्म का पालन नहीं होता उसमें नहीं हमें लिखना है। तो व्यवकलन, गुणन, भाग और योग के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के लिए शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में भी हमें चारों संक्रिया पे इसका प्रयोग करना है। तो पहली जो संक्रिया योग है, कि योग के अंतर्गत हमें ये बताना है कि पूर्ण संख्या ये जो योग के अंतर्गत सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है या नहीं, सहचार्य होती है या नहीं। तो सहचार्यता का जो नियम है वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। यानी तीन संख्या पे लागू होगा, इसका मतलब है योग के लिए कि दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़कर फिर पहली संख्या जोड़े तो उसका जो योगफल है वो बराबर आना चाहिए a प्लस बी, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल में तीसरी संख्या जोड़े तो इस प्रकार जो योगफल आएगा वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता है तो ये सहचारिता गुणधर्म का पालन करेगी, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट पूर्ण संख्या है, तो योग के लिए, तो योग के लिए हम पता करते हैं सबसे पहले। तो योग के लिए पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होती है, अनंत चलती है, वो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या है जीरो से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या में ले रहा हूं, जैसे संख्या हमने ली दो एव तीन, दो पूर्ण संख्या ली है। अब योग के लिए देखते हैं सहचारिता गुणधर्म। तो सहचारिता गुणधर्म है अपना ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, सी का मतलब तीसरी संख्या, सॉरी दो तीन, दो तीन संख्या लेनी, दो तीन एव चार, तीन संख्या हमने ली है। देखते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी, ए का मतलब दो प्लस बी का मतलब दूसरी संख्या और सी का मतलब तीसरी संख्या। तो हमने ये लगाया ए की जगह दो, बी की जगह थ्री और सी की जगह थ्री, बराबर होना चाहिए ये इसके पहली और दूसरी संख्या। पहली संख्या दो है, दूसरी संख्या तीन प्लस फोर। तो ये योगफल यदि बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है सहचारिता गुणधर्म का पालन करेगी। तो करके देखते हैं, तो दो के दो तीन और चार सात बराबर, इसी तरह दो और तीन पांच प्लस सात चार, दो में सात जोड़ेंगे तो आएंगे नौ और पांच में चार जोड़ेंगे तो भी आएंगे नौ। तो हम देखते हैं कि चाहे दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ के फिर उसमें पहली संख्या जोड़े या पहली और दूसरी संख्या जोड़कर उसमें तीसरी संख्या जोड़े, योगफल हमेशा बराबर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है। तो योग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे हाँ बराबर होती है। नेक्स्ट हम व्यवकलन के लिए देखते हैं। तो व्यवकलन के लिए जो ए का चिन्ह है यहाँ वो सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, यानी व्यवकलन का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी ए माइनस बी ब्रैकेट बी माइनस सी बराबर होना चाहिए ए माइनस बी माइनस सी के। तो ये तीन संख्या रखते हैं अपन और देखते हैं, चेक करते हैं अपन। तो चेक करेंगे ए की जगह दो माइनस तीन माइनस चार बराबर
दो माइनस तीन और माइनस चार, कि तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या घटाएं और फिर पहली संख्या में से टू घटाएं, या पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएं के फिर तीसरी संख्या घटाएं। अगर योगफल बराबर आता है तो हम कहेंगे कि सहचारिता गुणधर्म का पालन होगा। करके देखते हैं, दो माइनस तीन में से यदि चार जाते हैं तो हमें पता छोटी में से बड़ी संख्या जा रही तो माइनस के वन आएंगे इक्वल टू, इसी तरह दो में से तीन जाएगा माइनस का वन और माइनस के फोर। तो हल करते हैं, दो के दो माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू, ये दोनों माइनस के माइनस माइनस होता है प्लस, चार एक पांच, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के फाइव, और इधर जो है दो एक तीन, एक तरफ तो आ रहे माइनस के फाइव और एक तरफ आ रहे प्लस के थ्री। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवकलन है वो पूर्ण संख्या के लिए सहचारिता गुणधर्म का पालन नहीं करता है, तो इसमें लिखना है नहीं। इसी तरह नेक्स्ट गुणन के लिए चेक करते हैं, तो गुणन के लिए यहाँ जो चिन्ह है वो मल्टीप्लाई का आ जाएगा, अपने चिन्ह चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी हम देखते हैं, तो पे ये नियम लागू करके देखते हैं, दो मल्टीप्लाई तीन गुणा चार बराबर दो गुणा तीन गुणा चार, तीसरी दूसरी और तीसरी संख्या गुणा करके फिर पहली संख्या से गुणा करें, या पहली और दूसरी संख्या गुणा करके फिर तीसरी संख्या से गुणा करें। यदि गुणनफल बराबर है तो जो पूर्ण संख्या है गुणन के अंतर्गत सहचारी होगी, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं सॉल्व करके, पहले दूसरी और तीसरी संख्या गुणा के थ्री फोर जै ट्वेल्व, और इधर पहली और दूसरी संख्या को टू थ्री जा सिक्स इंटू फोर, देखते हैं ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर इक्वल टू सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। तो हम देखेंगे कि गुणनफल हमेशा बराबर आएगा, चाहे दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करके पहले से गुणा करें या पहली संख्या को दूसरी से गुणा करके तीसरी से गुणा करें, गुणनफल बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं जो गुणन है जो परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, वह गुणन के अंतर्गत सहचारी गुणधर्म का पालन करती है। अब नेक्स्ट भाग के लिए देखते हैं, तो भाग के लिए हम करेंगे तीन संख्या के लिए, तो यहाँ जो चिन्ह है वो किसका हो जाएगा भाग का, भाग के लिए देखते हैं तो ये भाजक का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट दो भाजक तीन भाजक चार और बराबर होना चाहिए दो भाजक तीन, दो भाजक तीन भाजक चार, देखते हैं भाग देकर, भाग देना भी हमें आना चाहिए, तीन के अंदर चार का भाग देना है, दो भाजक तीन में चार का भाग क्या आता है वो लिख लेंगे अपन, तो थ्री में चार का भाग देंगे तो आएंगे पॉइंट लगा चार फोर सेवन जीरो ट्वेंटी एट बचा टू फिर लगाया जीरो फोर फाइव जा ट्वेंटी तो आए पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन फाइव। अब जीरो पॉइंट सेवन फाइव का जो भाग है इसमें देंगे टू में देंगे तो ये लिखा जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट आगे इधर हल करेंगे, दो के अंदर तीन का भाग देंगे तो दो के अंदर तीन का भाग देने पर जो आते हैं लगाए जीरो तो लगा पॉइंट थ्री सिक्स का एटीन फिर टू थ्री सिक्स का यानी जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स चलते रहेंगे, तो जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स डिवाइड बाई फोर। अब जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स में हम फोर कर देंगे बार, देखिए इधर और इधर दोनों तरफ जो है बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्या है वह सहचारी नहीं होती है, नहीं होगी। इसी तरह दूसरा हम प्राकृत संख्या पर प्रयोग करके देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं के लिए भी पता करते हैं, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है वैसे एक ही होती है, अगर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पे जो लागू हो रहा है वही प्राकृत संख्याओं के लिए होगा, तो इसे चेक करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, तो
वही प्राकृत संख्या वही पूर्ण संख्या है। तो हम ले कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत सहचार्य होती है, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं होती है, और गुणन के लिए होती है और घात के लिए नहीं होगी। अब बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक के लिए देखते हैं अपन, पूर्णांक के लिए पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए हम देखेंगे तो कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं अपन, दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का हो सकता है। तो हम चेक करते हैं लेकर, तो पूर्णांक जो है 2-3 एव -4, दो ऋणात्मक ले लिया एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, और सोल्व करके देखते हैं। तो पहले योग के लिए, तो योग के लिए देखेंगे हम, योग के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो योग के लिए 2-3-4 बराबर होना चाहिए, सॉरी 2-3-4 बराबर होना चाहिए 2-3-3 -4 2 प्लस इसको हल करेंगे -3 प्लस माइनस -4 इधर हल करेंगे 2 प्लस माइनस -3 एंड प्लस माइनस -4 हल किया 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 वो भी माइनस की बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए बराबर 2 में से 3 गए माइनस का 1 और माइनस के 4। देखते हैं हम 2 के 2 प्लस माइनस -7 बराबर जो है जो आएगा इधर 2-7 बराबर -1-4। तो 2 में से 7 के माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस 4-1-5 माइनस के 5। तो हम देखते हैं जो योगफल है दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इधर भी -5 इधर भी -5। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत सहचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट है अपना आगे, नेक्स्ट है व्योकलन के लिए। तो व्योकलन के लिए देखेंगे तो 2 या माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस 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 और माइनस माइनस माइनस। तो बी बी की जगह -3 है और माइनस सी की जगह माइनस के 4 है, बराबर होने चाहिए 2 माइनस -3 एंड माइनस -4। अब करते हैं 2 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4। सॉल्व करेंगे हम इसे तो 2 माइनस पहले दोनों को प्लस माइनस माइनस, तो आएगा प्लस का 1 इक्वल टू 2 3 5 प्लस 4 2 में से 1 गया 1 और 5 4 9। तो हम देखेंगे कि व्यवकलन के अंदर इधर 9 आ रहे हैं इधर 1 आ रहा है, तो ये सहचार्य नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सहचार्यता गुणधर्म का पालन नहीं करता। नेक्स्ट है अपने भाग के गुणन के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत किन दो या मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा के अंदर मल्टीप्लाई तो 2-3-4 बराबर 2-3-4। सॉल्व करते हैं 2×4=12 माइनस माइनस प्लस। गुणा भाग में केवल चिन्ह देखा जाता है, बड़ी संख्या नहीं, बराबर 2×3=±4 हल किया तो
बताने आए हैं, 24, इधर भी 4 से 24 माइनस माइनस प्लस के 24 प्लस के 24 तो बराबर आ रहा मान, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक जो है गुणन के अंतर्गत सहचार्य गुणधर्म का पालन करता है। इसी तरह हम भाग पर चेक करेंगे, तो भाग के लिए चेक करेंगे, भाग देखें तो भाग के अंतर्गत जो है तो सहमत गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। और परिमेय संख्याओं के लिए लास्ट है, परिमेय संख्याओं के लिए भी हमें सॉल्व करना, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न संख्या, अंश बटा हर। तो कोई भी तीन परिमेय संख्या लेकर हम इसे चेक कर सकते हैं, अपन तो कोई भी तीन परिमेय संख्या से सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं समान हर वाली विधि ले रहा हूँ ताकि हमें वज्र गुणा लहसा विधि से करने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल चेक करना परिमेय संख्या देखे। तो कोई तीन परिमेय संख्या ले, 2/5, 3/5 और 1/5, ये तीन परिमेय संख्या मैंने ली है, प्लस की भी ले सकते हैं माइनस की भी ले सकते हैं। तो इसमें योग के लिए देखते हैं, फिर तो योग के लिए अपने नियम है ए प्लस बी प्लस सी, 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5 बराबर 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5। हल करके देखते हैं, 2/5 प्लस दोनों के समान है, उससे हर समान हो तो ना वज्र गुणा करना ना लहसा विधि द्वारा किया जाएगा। देखते हैं हर समान है तो हर एक ही बार लिखा जाएगा, 5 के 5 3 1 4। यहाँ पे भी हर समान है तो हर समान है तो हर को एक ही बार लिखेंगे, और 2 + 4 6/5 आ गए इधर। इसको देखते हैं हल करते हैं, हर समान है तो हर एक ही बार लिखा जाएगा, 2 × 2 = 5 प्लस इधर भी 1/5, हर समान हर को एक बार लिखेंगे, 5 × 6 तो हम देखेंगे इधर भी 6/5 इधर भी 6/5। तो हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्याएं हैं वह योग के लिए सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है। नेक्स्ट है व्योकलन के लिए, तो व्योकलन के लिए देखते हैं, वैसे तो नहीं होगा फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं व्योकलन के लिए भी हल करते हैं इसको। तो व्योकलन के लिए तीनों संख्या 2/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 बराबर 2/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5। हल करके देखते हैं हर समान है, 2/5 के 2/5 माइनस हल समान है, 5 तीन में से एक गया बचे 2, दोनों में हर समान है तो एक ही बार लिखा, 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0/5। नेक्स्ट आगे देखते हैं हर समान है, एक ही बार लिखा, 2 में से 3 गए माइनस का 1 और इधर बचा माइनस 1/5। हर समान है दोनों में तो हर समान है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक ही बार लिखेंगे और ये भी माइनस का, सॉरी ये भी माइनस का, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 2 माइनस के 2/5 और इधर आ रहे हैं 0/5। तो हम देखते हैं अलग अलग मान आ रहा, तो हम कह सकते हैं व्योकलन के अंतर्गत जो परिमेय संख्या है सहचार्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। नेक्स्ट है हम देखते हैं गुणन के लिए, तो गुणन के लिए देखते हैं 2/5 गुणा 3/5 गुणा 1/5 बराबर 2/5 गुणा 3/5 और गुणा 1/5। दूसरी संख्या को तीसरे से गुणा करके पहले से करें या पहले और दूसरे को गुणा करके तीसरे से करें, अगर गुणन पर बराबर आ गया तो सहचार्य गुणधर्म का पालन होगा अन्यथा नहीं। तो हल करके देखते हैं पहले अंदर वाले, तो गुणा करते हैं भिन्न संख्या, अंश कौन से हर को अंश से 3 × 1 = 3 और 5 × 25 गुणा इसी तरह इधर 2/5 तो गुणा करेंगे 3 × 2 = 6 और 25 को 5 से किए 25 × 125 बराबर इधर तो आगे 6/125 इधर भी देखते हैं, तो 2 को 3 से किए 2 × 3 = 6
5 × 25 गुना एक बटा हुआ 5, गुना किया, गुना करेंगे 6 × 6 और 25 × 125। तो हम देखते हैं इधर भी 6/125 और इधर भी 6/125। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है गुणन के अंतर्गत सचालिक मात्रम का पालन करती है। अब एक जो है भाग के लिए है, तो भाग के लिए भी हमें ये जो गुणधर्म है ये भाग का चिन्ह हो जाएगा अपने, ये भाग का चिन्ह हो गया। एक जो भाग के लिए इन्हीं तीनों संख्या पे आप भी ट्राई करें और बताएं कि जो है सचारी गुणधर्म का पालन होगा या नहीं। ऐसे में बता देता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक आपके लिए एक सॉल्व करना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे।